बात यह है कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाएं गुर्जर बाहुल्य हैं और इसमें बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें जब से इलेक्शन शुरू हुए तब से लेकर के अब तक कभी भी किसी गुर्जर प्रत्याशी को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बात तो ये आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब मसूदा विधानसभा देखिए, 44,000 गुर्जर है और एक भी टिकट नहीं दिया अभी तक। मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ में भी एक बार भी टिकट नहीं दिया किसी ने अभी तक। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जो गुर्जर समाज है क्या इस विधानसभा में नहीं रहता? क्या ये लोग गुर्जर वालों को, गुर्जरों को क्या इन विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है? क्या ये MLA बनने से वांछित रहेंगे हरदम? अगर ऐसी सोच है तो पार्टियां बताएं, और अगर ऐसी सोच नहीं है तो ये बताएं कि अभी तक टिकट दिया क्यों नहीं है, और ये बताएं कि टिकट कब देंगे। भाई समाज तो ऐसा है कि अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो फिर समाज अपना रुख लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भैया ठीक है, हम तो अपने काने लूले लंगड़े मामा को ही खड़ा कर देंगे और उसी को दे देंगे वोट सारे के सारे, फिर क्या करेंगे। बात इम्पोर्टेंट बात यह है कि समीकरण जब हम कहते हैं, पार्टियां कहती हैं कि हमने जातीय समीकरण साध लिए, तो उसमें गुर्जर कहां गायब हो जाते हैं साहब? बाहुल के हिसाब से दीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो राजनीति है वो जातियों की राजनीति है, जातियों के बाहुल की राजनीति है, और हम हर बार उसी को लेकर के चलते हैं, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो संगठन मंत्री रहा हो, या कोई भी रहा हो, हम हर बार जातियों को साधने की बात करते हैं। जब हम विधानसभा के टिकट जब हम बांटते हैं तो उसमें हम बाहुल गुर्जरों को टिकट क्यों नहीं देते, ये प्रश्न मैं आप सबसे कर रहा हूं। और इसी के चलते मैं 73 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में जा रहा हूं, और आज ही नहीं अब से लेकर के 1.5 साल तक मैं हर एक विधानसभा में जाऊंगा और सब लोगों से यही चर्चा करूंगा कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत है क्या।